धरना प्रदर्शन चल रहा जिला पंचायत में। यहाँ पे जिला पंचायत में कुछ जिला पंचायत के मेंबर हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे भेदभाव करा जा रहा। भाई जितना यहाँ पे फंड आ रहा उतना बटका यहाँ पे हो। इस बारे में जिला पंचायत सदस्य लगातार कई बार धरना प्रदर्शन हाँ कर रहे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे आज, लेकिन कुछ उनकी मांग मानी नहीं जा रही है। नहीं मानी जा रही तो भाई यहाँ पे ना किसी के टोल चलने के, ना ये जो टैक्स दे रहे हैं लकड़ी पकड़ी का, सब हटेंगे आज ही। क्या यहाँ भी अनिश्चितकालीन धरना आपका चलेगा? अभी बात करेंगे क्या करना, धरने का अधिकारी बात करेंगे या धरना दे जाएंगे क्या करना। अभी तक भी कोई अधिकारी लोगों पर आरोप नहीं लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष है, नहीं क्यों नहीं देने के काम, वो क्या है एक पक्ष का है, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष है तो पूरे जिले का है। भाई देश का प्रधानमंत्री है तो पूरे देश का होता है ना, या वो छांट के गैंग में इसका हूँ, मैं इसका हूँ, इसको चलान वाला कोई और है जिला पंचायत अध्यक्ष को, इनसे भी बात करेंगे, जो कोई और होगा उससे भी बात करेंगे, यहाँ के प्रशासन से भी करेंगे बात। अरे मांगे क्यों पूरी नहीं होने की है, क्या कोई रेतवान नहीं आ रहे किसी उस पर ढेरी पा रहे गए, ये जीत का रहे, मांग पूरी क्यों नहीं होने की, नहीं क्यों नहीं होने की तो बताओ ना, क्यों क्यों का सवाल नहीं यहाँ पे होगा। अभी तो कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा, आ जाएगा आज नहीं आवा कल आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, आवेगा तो जरूर। क्या लगता है उस जैसे आंदोलन वो चला 1 साल तक ये भी ऐसे चला? अरे क्या पता, ये 1 साल लोग को कौन जेल लगा ऐसे, ये अभी बैठा है इसका राम भैया, ताले लगा के गए अपने यही बैठे गए 5 आदमी। हाँ करेंगे, एक ये आ रहे ये दरोगा भर्ती है 2016-17 की, और भाई यहाँ इनके करीब 2486 बच्चे हैं, भर्ती होगी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद में घर बैठा रखे सारे के सारे, मतलब ज्यादा भ्रष्टाचार है, कहाँ जाएं अभी ये बच्चे, अभी इनका बच्चे भी धरने पे बैठे ये बैठे, ये क्या है ना घर जा सकते ना कहीं जा सकते।